हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट जोन फॉर स्मार्ट आंसर्स। सो गाइस, यहाँ पर आज से आपकी एनटीपीसी की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। ठीक है गाइस, यहाँ पर हम लोग एनटीपीसी की क्लासेस करेंगे और जो रीजनिंग वाला जो आपका पार्ट है उसको यहाँ पर अच्छे तरीके से आपके यहाँ पर रीजनिंग का जो पार्ट है वो कम्प्लीट होने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज से यहाँ से एनटीपीसी की क्लासेस। और जैसे ही आपका जेई का एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद आपका सीबीटी 2 का भी एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो जो एनटीपीसी की वैकेंसी है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिन लोगों ने अभी तक आरआरबी जेई की एग्जाम दी है और उनका एग्जाम थोड़ा सा अच्छा नहीं गया हो तो उनके लिए सेकंड चांस बहुत अच्छा चांस है। और जिन लोगों ने अभी तक सिर्फ एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी के लिए स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा चांस है। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपका एग्जाम आएगा हम लोग यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाएंगे, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन लाएंगे और बहुत सारे जो एग्जाम से रिलेटेड टिप्स होते हैं मैं आपको दूंगा और उससे आप बहुत ही इजीली एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, आपका जो यहाँ पर जो रीजनिंग वाला पार्ट है 30 यहाँ पर 30 मार्क्स का पूछा जाता है, तो 30 out of 30 आपका आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा गाइस। तो आप यहाँ से बस क्लासेस रोज लो और जितने भी क्वेश्चन है सबको अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यस स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। और सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस कि आज का जो क्लासेस है यहाँ पर वेन डायग्राम पर बेस है। वेन डायग्राम हम आज से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। वेन डायग्राम सबसे पहले वेन डायग्राम जैसे जिन लोगों ने अच्छे से स्टडी की उनको बहुत अच्छे समझ में आया, जिन्होंने नहीं की उनका जो कॉन्सेप्ट है आज बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है वेन डायग्राम से। ठीक है गाइस, तो आज की जो ये क्लास है वेन डायग्राम की मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम क्लास आज से आपकी स्टार्ट हो रही है गाइस। आप देख सकते हो कि वेन डायग्राम मैंने मेंशन कर दिया बोर्ड पे। तो गाइस यहाँ पर जो वेन डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, चाहे आप रेलवे की एग्जाम ले लो, आरआरबी जेई की जो अभी लेटेस्ट एग्जाम दिया है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गया था यहाँ पर वेन डायग्राम से, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। यहाँ पर बता रहा हूँ टू टाइप से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक तो आपको यहाँ पर कुछ वर्ड दे दिया जाएगा। ठीक है, टाइप वन में आपको बता रहा हूँ, ये टाइप मैं लिख दे रहा हूँ टाइप। ठीक है, टू टाइप्स में लिखते हैं, तो पहला टाइप मैं आपको बता रहा हूँ। पहला जो क्वेश्चन आता है इस टाइप से कुछ यहाँ पर वर्ड दे दिया। ठीक है, मान लो यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर दिया गया बाइक और यहाँ पर दिया गया दे देगा आपको कार। ठीक है, कार यहाँ पर गिवन होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर डायग्राम ऑप्शन मिलेगा, कुछ ऐसे करके होगा, कुछ ऐसे होगा, कुछ यहाँ पर ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, कुछ यहाँ पर ऐसे होगा, ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, ऑप्शंस वाइज यहाँ पर होंगे। और आपको यहाँ पर बताना होगा कि यहाँ पर जो डायग्राम है इसका जो एक दूसरे से रिलेट करके हम लोग डायग्राम बनाना होता है किस टाइप से, कौन सा डायग्राम आपको यहाँ पर राइट होगा। ऑप्शन में ऑप्शन आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया गया कर देगा एग्जाम में, और आपको यहाँ पर डायग्राम को सिलेक्ट करना होगा, राइट डायग्राम सिलेक्ट करना होगा और वहां पर ऑप्शन टिक करना होगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर क्वेश्चन आया फिर कि जो जो वेन डायग्राम ड्रो कैसे होता है, कैसे रिलेट करे एक दूसरे को, इससे कौन रिलेटेड है, इससे कैसे ये रिलेटेड है, तो कैसे यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को बिल्ड करे, तभी आप आगे आने से आप बना सकते हो क्वेश्चन। मान लो कि अगर यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है किस टाइप से कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा इसमें, तो आगे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए लेकर आया, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और क्लासेस भी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम समझते हैं क्या है, कैसे यहाँ पर हम वर्ड्स को रिलेट करेंगे एक दूसरे से और कैसे यहाँ पर उसका डायग्राम ड्रो होगा। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं ये क्लास आज की वेन डायग्राम की। तो वेन डायग्राम की क्लास में सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, मान लो टाइप वन में आपको बता रहा हूँ सबसे पहले, तो यहाँ पर रोड दिया गया। ठीक है, फिर यहाँ पर बाइक दिया गया, बाइक, फिर यहाँ पर कार दे दिया गया और आपको बोला गया यहाँ पर कि आप डायग्राम बनाओ। ठीक है, तो मैं एक रोड बनाता हूँ, मैं अभी डायग्राम नहीं बना रहा, मैं आपको पहले समझा रहा हूँ, उसके बाद डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मान लो कि एक रोड जा रहा है। ठीक है, एक रोड हो गया, यहां से अगर आप देखो तो इस पर बाइक भी चल सकती है। ठीक है, बाइक भी इस पर चल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कार भी इस पर चल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर साइकिल भी चल सकती है। ठीक है, साइकिल भी चल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपसे पूछा गया इसका वेन डायग्राम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो वहां पर मैंने आपको दिखाया था कि ऐसे ऐसे करके कुछ डायग्राम बनाया गया था। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये कार
रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पर डायग्राम बनाना है। डायग्राम कैसे बनाना है मैं आपको लिखा बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर रोड दिया गया, ठीक है। ऐसा नहीं रोड बाइक भी पहले दे सकता है, बाद में रोड देगा, तो अलग अलग लिख सकता है। वहां पर कोई सिक्वेंस में नहीं लिखेगा तो भी आप अच्छे से रिलेट कर लेना उसको, जैसे यहाँ पर करना। सबसे पहले क्या यहाँ पर रोड बनाएंगे हम, ठीक है। मान लो कि मैंने एक रोड बनाया, अब इस रोड पर बाइक भी चल सकती है, तो इसके अंदर मैंने बाइक बना लिया। अब इस रोड पर कार भी चलती है, तो मैंने यहाँ पर चलो कार भी बना दिया, और ये क्या हो गया आपका वेन डायग्राम हो गया। तो इसी टाइप से आपको वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपके लेकर आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सारे क्वेश्चन आज कर लेंगे। और जितने भी आपकी क्लासेस है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रेलवे में आ चुके हैं, या तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे या तो सिलेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो आने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर मैं आपको अब एक क्वेश्चन दूंगा, उसको आपको सॉल्व करना है, और जो भी सॉल्व कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं आंसर, ठीक है गाइस। तो क्वेश्चन नंबर वन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पर दिया गया, क्वेश्चन नंबर वन क्या है, क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पर दिया गया एशिया, ठीक है। सबसे पहले लिखा गया एशिया, फिर यहां पर लिखा गया गाइस ऑस्ट्रेलिया, ओके। यहां पर क्या लिखा गया, यहां पर लिखा गया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और जो नेक्स्ट लिखा गया यहां पर इंडिया लिखा गया, ठीक है गाइस। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, एशिया, ऐसे यहां पर मेंशन कर दिया गया। और आपको यहां पर ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन मैं आपको देके बता रहा हूं, ठीक है। ऑप्शन नंबर वन आपको दिया गया यहां पर गाइस, ऑप्शन वन है ऐसे है, एक यहां से जा रहा है एक यहां पे है, और ऑप्शन टू क्या, ऑप्शन डी यहां पर दिया गया आपका, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी आपका दिया गया ऐसे, एक ऐसे आया, एक ऐसे आया और एक ऐसे आया, ये तीनों एक दूसरे को कट करेगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर सी आपका ऐसे दे दिया गया यहां पर, ऑप्शन नंबर सी दिया गया ऐसे, ऐसे और ऐसे। फिर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी भी दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी कैसे दिया गया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ड्रॉ करना है, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे डायग्राम दिया गया ऐसे, ऐसे और ऐसे। तो आपको यहां से बताना है कि राइट ऑप्शन क्या होगा, कौन सा यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो राइट होगा इस डायग्राम के लिए, मतलब इस स्टेटमेंट के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पर एशिया है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो कि यहां पर एशिया में क्या, एशिया में इंडिया आता है, ठीक है। तो एशिया में अगर इंडिया आता है, सबसे पहले मैं एक इंडिया बना लेता हूं, उसको क्या एशिया कवर कर लेगा। तो यहां पर वेन डायग्राम क्या हो जाएगा, जो ऑस्ट्रेलिया जो ऑस्ट्रेलिया वो एशिया में नहीं आता, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया एशिया में नहीं आता, तो इसको मैं बाहर बना लेता हूं। तो यहां से आप ऑप्शन चेक करोगे गाइस, तो आपको यहां पर ऑप्शन नंबर सी यहां पर नजर आएगा राइट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर आपने मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या बताया, मैंने आपको बताया यहाँ पर कि इंडिया जो एशिया में आता है, दोनों को मैंने एक दूसरे से कवर कर दिया, रिलेट कर दिया। तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर एशियन कंट्री नहीं है, इसलिए मैंने इसको बाहर लिख दिया, बाहर इसका डायग्राम बना दिया। तो आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। आप चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर दो यहाँ पे आपके सामने आप देख सकते हो गाइस, क्वेश्चन नंबर दो क्या है, एलिफेंट, डॉग, कैट। तो एलिफेंट, डॉग, कैट यहां पर दिया गया। तो यहां पर आप देख सकते हो जो ये तीन जो एनिमल्स है, तीनों अलग अलग है, ठीक है। एलिफेंट का डॉग से कोई यहां पर रिलेशन नहीं है, ना ही कैट का डॉग से है। तो यहां पर क्या वेन डायग्राम होगा मैं आपको बता रहा हूं, आप ऑप्शन देख सकते हो। तो यहां पर सिंपल है कि सबसे पहले एक एलिफेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, और नंबर सेकेंड में यहां पर बनाना पड़ेगा डॉग। मान लो ये एलिफेंट हो गया, ये डॉग हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये कैट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ये हो गया, अब यहां पर आप देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बिकॉज यहां पर ये सेम है एक दूसरे से, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट में क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कैसा क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में, आप रेलवे के एग्जाम की जो अभी जेई का एग्जाम हुआ उसमें देख सकते हो गाइस, ऐसे इजी क्वेश्चन आए हैं। पर यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैसे यहाँ पर सॉल्व होता है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं और क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं, बस हाँ एक मिनट बहुत है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक मिनट से भी कम टाइम आपको लगना चाहिए। अगर आप अच्छे से पढ़ाई की हो तो बहुत कम टाइम आपको लगना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है आज का वो ये यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो, सबसे पहले दिया गया फर्नीचर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया फर्नीचर, और सेकेंड यहां पर दिया गया टेबल, और फिर जो थर्ड क्वेश्चन यहां पर था वो था, यानी थर्ड यहां पर जो वर्ड था वो था चेयर, ठीक है।
ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, फिर यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया गाइस। ऑप्शन नंबर वन आप देख सकते हो ऐसे ऐसे, ये टच नहीं हो गया कुछ में से, ऐसे ऐसे और ऐसे। ओके फिर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी था, ऑप्शन नंबर बी आपको ऐसे दिया गया, ऐसे ऐसे एक दूसरे से क्रॉस करा फिर यहां से ऐसे जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मेंशन किया गया गाइस ऐसे, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर जो लास्ट है वो ऐसे हो जाएगा, यहां से अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आपको बताना है कि यहां पर कौन सा वेन डायग्राम इसका होगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिया गया है, तो सबसे पहले आप वेन डायग्राम स्टार्ट करने से पहले आप देखो यहाँ पर वर्ड क्या दिया गया, फर्नीचर। ओके तो ठीक है, मैं एक फर्नीचर बना रहा हूँ गोल, मैंने इसको फर्नीचर से एफ से डिनोट कर दिया, ये फर्नीचर हो गया। अब अगर आप देख रहे हो तो टेबल क्या है, फर्नीचर में आता है, कि टेबल को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, और चेयर क्या, ये भी एक फर्नीचर में आता है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो ऑप्शन यहाँ पर राइट कौन सा हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर राइट आपका ए हो जाने वाला है, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा ए यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया गया नेक्स्ट। सो गाइस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देख सकते हो क्या है, यहाँ पर दिया गया फूड कैरोट और यहाँ पर दिया गया वेजिटेबल, ठीक है, कैरोट और यहाँ पर फूड कैरोट और वेजिटेबल। तो यहां पर आपको बताना है इसका वेन डायग्राम क्या हो जाएगा, तो वेन डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फूड ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, जो दिया हुआ उसमें ड्रॉ कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर कैरोट दिया है तो कैरोट ड्रॉ कर लेता हूँ, इसे कवर कर देगा, क्योंकि फूड फूड बोला था, कैरोट क्या एक फूड है, तो यहाँ पर मैं इसको कवर कर देता हूँ। ओके और यहाँ पर वेजिटेबल दिया गया, तो ये दोनों क्या, एक वेजिटेबल है तो इसको मैं कवर कर दूंगा वेजिटेबल से। तो आपके यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पर दिया गया था। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, पहले यहाँ पर दिया गया फूड, ठीक है, उसका कैरोट दिया गया, उसके बाद यहाँ पर वेजिटेबल दिया गया, जो यहाँ पर जो फूड था वो कैरोट था, ठीक है, कैरोट और यो कैरोट और फूड दोनों मिलकर क्या वेजिटेबल हो सकता है, तो यहाँ पर वेजिटेबल दे दिया गया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पर गाइस मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ आप इसकी डाउनलोड कर लेना, यहाँ पर नोट्स आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो वहां से जाकर आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर नोट्स बना रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं बना रहे हो फिर भी आप जाकर वहां पर पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब नोट्स नहीं बनाओगे तो आपका काम चल जाने वाला है, ठीक है गाइस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर ऑप्शन नहीं करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन अभी इरेज नहीं करते, देख लेते हैं क्या ऑप्शन दिया गया है और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो दिया गया गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया गाइस, नेक्स्ट दिया गया फ्लावर्स, सबसे पहले यहाँ पर फ्लावर्स लिखा गया, ठीक है, फ्लावर्स सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया, और नेक्स्ट लिखा गया यहाँ पर लोटस, लोटस, और जो नेक्स्ट लिखा गया रोज, रोज यहाँ पर नेक्स्ट लिखा गया। और यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन भी थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है, तो मैं यहाँ पर ऑप्शन आपको चेंज कर दे रहा हूँ आपके लिए, ऑप्शन यहाँ पर मैं चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर वन सेम है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर चेंज है, और ऑप्शन नंबर डी भी चेंज है, और ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर कुछ चेंज है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर आप ऑप्शन देख सकते हो, बी नंबर जो ऑप्शन दिया गया ऐसा दिया गया कुछ यहाँ पे और ये तीनों पार्ट को ऐसे कट करेगा, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिया गया गाइस, आप देख सकते हो ऐसे ऐसे और ऐसे दिया गया। ऑप्शन डी क्या दिया गया, ऑप्शन डी भी यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, ऑप्शन डी में ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया, डी दिया गया ऐसे और ऐसे करके ऐसे दिया गया। और अब यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा होगा इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले मैं फ्लावर बना लेता हूँ, ठीक है, और ये लोटस क्या है, एक फ्लावर है, तो यहाँ पर लोटस को मैं लोटस को फ्लावर में प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। और रोज क्या है, रोज भी एक फ्लावर है, तो मैं यहाँ पर रोज को भी लिख सकता हूँ। तो आपके यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपके यहाँ पर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं रेलवे में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखते हैं क्या है इसके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ चुका है आपके सामने, और यहाँ पर रेप्टाइल्स, स्नैक्स और लिजर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर वेन डायग्राम कैसा होगा, ऑप्शन यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन आप देख सकते हो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी। तो आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन बताना है। सबसे पहले मैं एक रेप्टाइल्स ड्रॉ करता हूँ, रेप्टाइल्स मतलब आपको पता है जो जानवर वे की चलते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं जिनके जो आगे का जो पार्ट पर अगर वो अगर अर्थ में ऐसे टच करे उसको हम लोग रेप्टाइल्स वाले कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्नैक्स, सबसे पहले स्नैक्स देखते हो रेप्टाइल में आता है, फिर यहाँ पर लिजर्ड देख सकते हो वो भी क्या, यहाँ पर लिजर्ड्स भी यहाँ पर क्या आता है, लिजर्ड्स भी यहाँ पे
यहाँ पर रेप्टाइल्स में आता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर रेप्टाइल्स की और बात करें तो यहाँ पर स्नैक्स हो गया, फिर आप यहाँ पर घड़ियाल को उसमें रख सकते हैं, ठीक है, और जो यहाँ पर मगरमच्छ को उसमें रख सकते हो। और यहाँ पर जो गाइस होने वाले हैं और भी यहाँ पर आप देख सकते हो जो खरीद आता है उसमें। सो गाइस ऐसे यहाँ पर करना है, ठीक है, इस डायग्राम से ड्रॉ करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के मैं जो लाया सिलेक्ट करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा। यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो रेलवे में आते हैं, बहुत रेगुलरली ये सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं गाइस, तो आप यहाँ पर सारे क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा गाइस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर दिया गया प्लांट, ओके प्लांट, फिर यहाँ पर अर्थ दिया गया, ओके अर्थ, और यहाँ पर दिया गया मून, मून दिया गया, ठीक है, और यहाँ पर आपको इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो आप मैं ऑप्शन यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है, ऐसे करके ऐसे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी है, डी थोड़ा सा चेंज है, तो इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ, बी और डी दोनों चेंज है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ऐसे ऐसे ऐसे, और ये वाला पार्ट दोनों को ऐसे कट करेगा, फिर ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर दिया गया और ऐसे दोनों को कवर कर लेगा। तो यहाँ पर आपको इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करके दिखाना है, ठीक है। तो इसका वेन डायग्राम क्या हो जाएगा, तो इसका वेन डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ मैं कर रहा हूँ, तो सबसे पहले प्लांट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर दिया गया अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे पता है कि अर्थ पे ही हम लोग प्लांट लगाते हैं, तो यहाँ पर मैंने अर्थ कर दिया इसे कवर। अब आता है मून, तो मून अर्थ और प्लांट, तो ये जो मून है जो अर्थ और प्लांट से बिल्कुल अलग है, तो यहाँ पर मून को मैं अलग बना लेता हूँ, ठीक है, दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं, तो मून को मैंने अलग बना लिया, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर आप चेक कर रहे हो ऑप्शन, तो ऑप्शन सी आपके यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ओके। तो सिंपल क्वेश्चन है, अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग होने वाला है, यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट पहले मैं रेस कर दे रहा हूँ, उसके बाद नीचे देखते हैं क्या है। सो गाइस यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया, सन मार्स मून, ठीक है। तो सन क्या होता है, सूरज, मार्स क्या होता है, मंगल, और मून क्या होता है, चांद। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर वेन डायग्राम क्या हो जाएगा, तो वेन डायग्राम यहाँ पर सिंपल है, सन मार्स मून दोनों के बीच कोई रिलेट, तीनों के बीच कोई रिलेट नहीं करा, तो सबको अलग अलग बना लिया मैंने, यहाँ पर क्या बनाया सन बनाया, फिर यहाँ पर मैंने एक मार्स बना दिया, फिर यहाँ पर मैंने मून बना दिया, तो ये क्या तीनों अलग अलग हो जाएंगे। ऐसे रिलेट मत कर देना कि यहाँ पर अगर मंगल के ग्रह के अगर चक्कर काट रहा है सूरज या मून, तो आप ऐसे सूरज अगर चक्कर काट रहा है, ऐसा नहीं कि आप वहां पर सबको साथ करना, ऐसा नहीं करना है, सबको अलग अलग बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सन को अलग बना दिया, मार्स को अलग बना दिया, मून को अलग बना दिया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए टिक करके नहीं आना है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, यहाँ पर प्लेयर्स फुटबॉल क्रिकेट, तो यहाँ पर आपको बनाना है वेन डायग्राम इसका, ऑप्शन आपको मेंशन कर दिया गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं प्लेयर बना लेता हूँ, ठीक है, प्लेयर मैंने बना लिया। अब आप देखो कि फुटबॉल में भी प्लेयर होता है ना, प्लेयर फुटबॉल में, यहाँ पर मैंने प्लेयर अंदर प्लेस, फुटबॉल अंदर प्लेस कर दिया, क्रिकेट में भी प्लेयर होता है, तो यहाँ पर मैंने अंदर प्लेस कर दिया इसको, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछे तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या इजी क्वेश्चन सर, ये तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए अभी कराने वाला हूँ, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंगर है, लास्ट क्वेश्चन से ये सिंगर है थोड़ा सा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो गाइस की प्ले ग्राउंड फुटबॉल और क्रिकेट यहाँ पर दिया गया, तो इसका यहाँ पर वेन डायग्राम क्या होगा, वेन डायग्राम इसका क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो गाइस की वेन डायग्राम की अगर बात करें, तो सबसे पहले मैं प्ले ग्राउंड बनाऊंगा, ठीक है, प्ले ग्राउंड मैंने बना दिया, और जो फुटबॉल है वो प्ले ग्राउंड पे खेला जाता है, आपको पता है बड़े से ग्राउंड पे फुटबॉल खोले गए, यहाँ पर खेला जाता था, फुटबॉल को मैंने अंदर रख दिया। अब क्रिकेट की बात कर लेते हैं, तो क्रिकेट भी यहाँ पर बड़े ग्राउंड में खेला जाता है, प्ले ग्राउंड में, तो क्रिकेट को भी मैं क्या अंदर रख सकता हूँ, यहाँ पर दोनों टच नहीं करेगा, ये हो गया और ये हो गया, दोनों अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो जो लास्ट क्वेश्चन था उसका भी ऑप्शन कुछ ऐसा ही था, यही ऑप्शन था, और यहाँ पर सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है गाइस, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कैसा है, एनिमल यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
तो क्वेश्चन आपको देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पे आ रहा है आपके, तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एनिमल, पेट और डॉग। तो एनिमल्स मतलब जानवर पता है, पेट मतलब क्या पालतू, यहाँ पर पालतू हो जाएगा ठीक है, डॉग मतलब क्या है कुत्ता हो जाएगा ठीक है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर दे दिया गया है, आपको यहाँ पर वेन डायग्राम इसका ड्रॉ करके बताना है ठीक है। तो आप एक बार ट्राई कर लेना, उसके बाद ही वीडियो देखना, बिकॉज इजी क्वेश्चन है और जितना आप ट्राई करोगे उतना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो यहाँ पर कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले एनिमल दिया है, एनिमल को मैं बना रहे हैं ठीक है, और पेट, पेट मतलब पालतू, पालतू मतलब क्या, तो कुछ जानवर पालतू होते हैं तो यहाँ पर मैंने पालतू को अंदर रख दिया। अब डॉग में क्या, डॉग एक जानवर है ठीक है, तो डॉग को मैं इसके अंदर ही प्लेस करूंगा। और जो डॉग होता है, कुछ डॉग यहाँ पर पालतू होता है ठीक है, बहुत सारे डॉग पालतू नहीं भी होते, तो मैं इसको क्या करेंगे हाफ कट करेगा, कुछ वाला पार्ट इसका कट करेगा ठीक है। कुछ वाला पार्ट इसलिए कट किया क्योंकि सारे तो डॉग यहाँ पर पालतू नहीं होते ना, इसीलिए यहाँ पर कुछ वाला पार्ट कट करेगा, ये हो गया, इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट कट कर दिया, कुछ पार्ट यहाँ पर कट करेगा। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर क्या हो जाने वाला, राइट ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी यहाँ पर क्या राइट हो जाने वाला है इस क्वेश्चन का ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये यहाँ पर था वेन डायग्राम से क्वेश्चन, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आज कैसा क्वेश्चन है। सो गाइस यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आज का आप देख सकते हो, लैंग्वेज फ्रेंच जर्मन। तो इसका वेन डायग्राम आपको यहाँ पर बताना है, इसका वेन डायग्राम क्या हो जाएगा। तो इसका वेन डायग्राम आप देख सकते हो गाइस यहाँ पर कि सबसे पहले यहाँ पर लैंग्वेज दिया गया, तो लैंग्वेज सबसे पहले आप ड्रॉ कर रहे हो, लैंग्वेज अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ लैंग्वेज ठीक है, मैंने लैंग्वेज ड्रॉ कर लिया, उसके बाद फ्रेंच आ रहा है, तो फ्रेंच का एक लैंग्वेज जानते हो, फ्रेंच फ्रेंच लैंग्वेज होता है, यहाँ पर मैंने फ्रेंच में फ्रेंच को अंदर प्लेस किया। फिर जर्मन क्या एक लैंग्वेज होगा उसका, तो फिर यहाँ पर मैंने यहाँ पर जर्मन को भी अंदर प्लेस कर दिया, ये दोनों कट नहीं करेगा, ये दोनों आपस में टच नहीं करेगा ठीक है, दोनों अलग अलग रहेगा। तो ऐसा इसका वेन डायग्राम बनेगा ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑप्शन कौन सा यहाँ पर राइट होगा, ये रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये था आज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर रेलवे में इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन अभी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और भी यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व कराए जाएंगे ठीक है गाइस। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें, एक बार बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करें ताकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आकर कुछ सीख सके यहाँ से, और अपने बहुत सारे रिलेटिव के साथ शेयर करें जो भी अभी एनटीपीसी की एग्जाम देने वाले हैं ठीक है गाइस। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ले, बिकॉज बेल आइकन को प्रेस करिएगा तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तब ठीक है गाइस। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद स्मार्ट यू फॉर ए स्मार्ट आंसर।